जज जोत हिरलई तेरी मुड़े अंत गया पछतावेंगा एक शब्द तू चिन्ह नाही फिर जूनी आवेंगा जज जोत हिरलई तेरी मुड़े अंत गया पछतावेंगा एक शब्द तू चिन्ह नाही फिर जूनी आवेंगा दुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरानो ना सिखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चाटड़िया ससे संजम गयो मुड़े एक दान तुद कुथाए लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत तान खद तेरा जन्म गया मैं मत हिरलई तेरी मुड़े हों मैं वड़ा रोग पया अंतर आत्मैं ब्रह्म न चिन्या माया का मोहताज पया मैं मत हिरलई तेरी मुड़े हों मैं वड़ा रोग पया अंतर आत्मैं ब्रह्म न चिन्या माया का मोहताज पया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज सतगुरु जी दे गुरु सवारे सत संगी जनो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा कीती है धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे विचों तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी की उचारण कीती हुई पावन बाणी राग आसा दे विचों जिसका सरलेख है पट्टी जिवें एक उस्ताद वर्णमाला दे अखर लिख के अपने सिख्यार्थी नूं अखर बोध करवाउण दा यतन करदा है सतगुरु पातशाह जी ने उस तर्ज उपर उस काव कला नूं वरतदिआं होइआं अपनी इस मुबारक बाणी दी रचना कीती है वर्णमाला दे अखरां दे संकेत वरत के सतगुरु सचे पातशाह जी ने अपना पावन सुनेहा ते उपदेश साडे नाल सांझा कीता है गुरु नानक महाराज पातशाह जी दी उचारण कीती होई इसे ही नाम दी मुबारक बाणी तो बाद राग आसा दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पन्ना नंबर 434 अते 35 उते ए मुबारक बाणी सुभायमान है इस पावन बाणी दे अगलेरे चार बंद आप जी ने पाठ रूप विच श्रवण कीते ने
सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी बख्शिश करदे होया कहते ने, जज्जै जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेंगा। इस तो पहले बंद विच सतगुरु पातशाह जी ने फरमाया सी, शशै शीजै अहनिस मूड़े, हे मूर्ख मन हर वकत हर घड़ी विकारां दे चस्के पाल के तू अंदरों कमजोर ते खोखला हो रहा है। इथे महाराज कहिंदे ने, जज्जै जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावेंगा। जोत दा अर्थ इस जगह दे उते गुरबाणी दे अर्थकार विद्वाना ने कीता है, सुरती अंदर दी चेतना, अंदर दी स्वय सोझी, विवेक बुद्ध। पातशाह कहिंदे ने, ज्यों ज्यों मन विकार दा चस्का पालदा है त्यों त्यों उस दे अंदर दा विवेक घटदा जांदा है। इस नूं असी सौखे ढंग नाल समझण लई धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुबारक बाणी दे विच भगत रविदास जी की उचारण कीती हुई ये पावन पंक्ति है, जिस विच ओह कहिंदे ने, माधो अविद्या हित कीन। अविद्या कहिंदे ने अग्ञानता नूं, बेसमझी नूं। कुदरत ने साडे जीवन की एक ऐसी परिस्थिति बनाई है जिस पासे वाल भी असी सफर करते हैं ओहो जिही हुंदे जांदे हां। उदाहरण वजो कोई भी कौड़ा बोल असी पहली बार बोलते हैं तो सानू थोड़ा जिहा महसूस होएगा, दूसरी बार बोलांगे थोड़ा जिहा पहले नालों घट महसूस होएगा, तीसरी वार उस तों घट, चौथी वार उस तों घट, ते हौली 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 सानू महसूस होणो ही हट जाएगा कि असी कुछ गलत कह रहे हैं। एक आम रूटीन की गल है साडे जीवन की, असी किसे मनुख की कोई चोरी पहली बार करिए तो सानू महसूस होएगा कि असी गलत कीता है, थोड़ा बोझ मन उत्ते रहेगा, दूसरी वार बोझ होएगा पर घट जाएगा, तीसरी वार होर घट, चौथी वार होर घट, तो भी समा आएगा जदों मनुख यह भी कह लग पवेगा भी चोरी करना किड़ा गुनाह है, सारी दुनिया ही करती है, जे मैं कर ली तो केड़ी आफत आ गई। हुण तुसी हैरान होवोगे, ये मनुखी मन की अवस्था है कि पहली बार जदों उसने इस राह दे उते पैर रखिया तो उसनू बोझ प्रतीत होया क्योंकि आदत नहीं सी, सुभा नहीं सी। उही बंदा जिहड़ा आप परेशानी महसूस कर रहा है माड़ा काम करके, हौली हौली वह माड़े काम के हक विच दलीलां देनियां शुरू कर देंदा है, आर्गूमेंट करना शुरू कर देंदा है। क्यों? क्योंकि मन की अवस्था नूं बदलदिआं बदलदिआं ते उस सच्चे विच ढलदिआं ढलदिआं वक्त लग्गिआ ते जदों मन उहो जिहा हो ही गया फिर मन ने निचक होके ही कहना शुरू कर दिता भी इस विच गलत की है, इस विच माड़ा की है, भाव आदत बन गई, आदि हो गया मन, उहो जिहा सुभा इसने अपना पैदा कर लिया। इस नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी कहिंदी है, माधो अविद्या अग्ञानता बेसमझी। बेसमझी नाल जदों साडा वाह पैदा है, ज्यों ज्यों असी उस बेसमझी दे भार नूं चुकना शुरू कर दिंदे हां उह सानूं चंगी लगन लग पैंदी है। जिवें बाणी दे विच सतगुरु ने कहा है ना, पाप बुरी चीज है, जिहड़ा नहीं करदा उहनूं बहुत बुरा लगदा है, उह चाहेगा भी पापी बंदा इह काम ना करे। पर नाल ही गुरु महाराज ने अगला बचन भी कहा, कहिंदे पाप बुरा पापी को प्यारा, पर उन्हूं प्यारा लग रहा, उन्हूं चंगा लग रहा, क्योंकि उसके अंदर का महसूस करन दा मादा ही खत्म हो गया भी यह बुरी चीज है, उन्हूं आदत बन गई, उहदा सुभा बन गया। दूसरी एक होर उदाहरण दिंदा, जिन्हां मुल्कां दे विच हिंसा करनी समाजिक तौर दे उते बहुत वड्डा अपराध मन्निया जांदा, वैसे तो बहुत सारे ही समाजां दे विच स्टेटां च मन्निया जांदा है किसे ना किसे रूप विच, पर जिथे हिंसा की वारदात बहुत घट हुंदी है, जे कित एक भी घटना ऐसी घट जाए तो तहलका मच जाता है, तरथली मच जाती है। पर जिस समाज जां जिस स्टेट विच हर वेले ते हर घड़ी हिंसा की वारदात हुंदी ही रहिंदी है कोई ना कोई, उत्थे लोग अखबार ते पढ़दे ने पर उन्हां नूं बहुता महसूस नहीं हुंदा भी कोई वड्डी घटना घट गई,
कारण आदि हो गए। इसे तरह ही मनुखी मन की बिरती है। तुसी कदे वेखना जे साड़ी अखबार रोज ही किसे ना किसे हिंसा की वारदात दियां खबरां नाल भरी आउंदी होवे, सारे पेज ही उसदे भरे पए होण, तुसी एक दिन बोझ नाल कढोंगे, चार दिन कढोंगे, दसवें एक दिन आदि हो जाओगे, कोई वड्डी गल नहीं होएगी। पर सारी अखबार उत्ते कोई खबर होवे तो तुसी बड़े ध्यान नाल उस नूं पढ़ोगे, ते पढ़न तो बाद तुसी बड़ा दुख महसूस करोगे भी गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। भाव माहौल के मुताबिक मन की अवस्था ओहो जिही ही बन जाती है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहिंदे ने भी हे मेरे अकाल पुरख, मेरा अविद्या अग्ञानता दे नाल प्यार पै गया, सांझ बन गई है, रिलेशन बन गया मन का। कहिंदे ने जिस की वजह करके की हो रहा है, विवेक दीप मलीन, विवेक बुद्ध का मेरे अंदर जिहड़ा टिमटिमाउंदा दीवा जिन्हें मैनू रोशनी देनी है, जिन्हें मैनू रस्ता दसना है भी आ चंगा है आ माड़ा है, वह मध्यम पैना शुरू हो गया। ज्यों ज्यों असी अग्ञानता वाले पासे प्रोसैस करते हैं, उस पासे मेहनत करते हैं, त्यों त्यों साडे अंदर की स्वय सोझी ते साडी चेतना समझदारी जिहड़ी है हौली 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 घटती जाती है। वह वक्त भी आउंदा जदों विवेक बुद्ध का दीवा अंदरों गोली हो जाता है। उस मानसिक अवस्था नूं धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने आत्मक मौत नाल तुलना दिती है। कोई भी मेडिकल साइंस उन्ना चिर किसी बंदे नूं मृतक नहीं ऐलानदी, डेड नहीं कहिंदी, जिन्ना चिर उहदे बॉडी दे विच जिंदगी दा एक भी कण बाकी है, किते भी जरा जिन्नी हरकत है उहनूं डेड नहीं कहा जा सकदा। दूसरे पासे जदों सारी बॉडी बिल्कुल ही अपना काम करना छड गई, कोई ना ब्रेन दे विच ना हार्ट दे विच ना खून दे विच किसे पासियों में कोई जरा जिन्नी हरकत नहीं, क्योंकि इहदियां भी निशानियां ने, उसनूं मृतक ऐलान दिता जांदा है भी हुण डेड है, खत्म है, चांसेस ही नहीं। दूसरे पासे तुसीं वेखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी च जिस चीज नूं आत्मक मौत आख्या गया ना, बिल्कुल ही डेड, जिथे मादा ही नहीं रह गया, एक परसेंट भी नहीं, भी इथों को बंदा घट्टो घट बाद विच रिकवरी कर लवे, थोड़ा बहुत सच वाले पासे मुड़ आए, थोड़ी बहुत समझ विवेक बिरती उहदे अंदर किते ना किते होवे, बिल्कुल खत्म है। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मुबारक बाणी ने इस गल का भी जिक्र किया भी यह मानसिक आत्मक अवस्था मनुख के अंदर किवें पैदा हो जाती है। उसनों बयान करदिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने हर बिस्तरत तेरे गुण गलिया, ज्यों ज्यों बंदा सच की धर्म की गुरु के उपदेश की विचार नालों टुटदा जांदा है, टुटदिया टुटदिया वह इन्ना क सफर दूरी का कर लैंदा है भी इना वक्त ही उहदी जिंदगी च नहीं हुंदा भी वह वापस परत आए, तुरिया ही जांदा है बस, और यही दूरी उसनूं आत्मक मौत की खड्ड विच ले जा सुटदी है। जिथे एक भी कण जीवन का बाकी होवे उत्थे उम्मीद कीती जा सकती, आस कीती जा सकती है कि वापस परत आएगा। जदों तुसी गुरु नानक महाराज पातशाह जी का मुबारक जीवन पढ़ते हो, बड़िया बा कमाल गल्लां ने सतगुरां दे जीवन विचों समझण वालियां, एक ऐसा चोर कदे कोई जिस चोर नू सारे लोग जानन लग पैण भी बड़ा परफेक्ट चोर है ये नहीं बदल सकता, जिस दी ठगी दा लोगों नू बहुत आम रूप विच पता होवे, एक ते ठग हुंदा है ना जिस बारे बहुत थोड़े लोग जानदे ने, ते एक ठग भी ऐसा जिहड़ा है मशहूर पर कोई उहदे विरोध विच जबान भी ना खोलना पसंद करे, ऐसे ठग कोल चले जाना आप। वैसे मैं कई बार सोचता हां धार्मिक लोगों ने अपने इर्द गिर्द इनिया क वलगणा पैदा कर लिया ने कि उन्होंने सुधार का कम ही छड़ दिता है, नहीं तो धर्म का कर्म ही यह है बुराई का बुरे पासे वाल तुरे हुए मनुख का ट्रीटमेंट करना, उसनु सवारन लई उद्यम ते यतन, यह संघर्ष है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं भी असी एक पासे कोने ते जाके बैठ जाइए और दावा करते रहिए असी बड़े पवित्र हाँ असी बड़े महान पुन आत्मा हाँ, इहदे नाल की फर्क पैंदा है। जिथे मनुख ने आप चंगे बनना है उथे दूसरिया नाल चंगा विहार करके दूसरिया दे दिल अंदरों भी बुराई का मादा खत्म करना है,
जन नानक धूड़ मंगे ते सुगुर सिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावे। सिक्खी ते ए असूल ते नियम समझाउंदी है। और सिख मार्ग के बानी साहब गुरु नानक महाराज पातशाह जी ने आप अपने जीवन विच पूरने पाए हैं। पर हां इन्नी गल जरूर है भी धर्म के राह ते चलण वाला आप सुदृढ़ जरूर चाहिए, परपक जरूर चाहिए। पर कमी इत्थे आई भी असी परपक्ता लियाउण दी बजाय कट्टरता ज्यादा लियांदी जीवन के अंदर। परपक घट हां कट्टर ज्यादा हां। परपक मनुख की आत्मक मानसिक अवस्था नूं कोई खतरा नहीं हुंदा, जदों के कट्टर नूं 24 घंटे खतरे हुंदे ने और वह खतरे भी उहदे अंदर ही हुंदे ने, जिस तों खिचदा है, जिस तों दुखी हुंदा है, ते दूसरिआं नाल मंदा बुरा ते हिंसात्मक विहार करन उत्ते उतारू हो जांदा है। उहनूं लगदा है इस बंदे कोलों भी मेरे मजहब नूं खतरा है, इस बंदे कोलों भी मेरे धर्म नूं खतरा है, इस बंदे दे कोल बैठन नाल मेरा धर्म नहीं रहेगा, उस बंदे नाल गल करन नाल मेरी मानसिक आत्मक अवस्था च विघन पै जाएगा। ऐसी विघनकारी अवस्था दे विच जीण वाला मनुख अंदरों इन्ना दृढ़ ही नहीं। अवस्थावां ने वक्रियां वक्रियां, पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच एक वचन है कबीर साहब जी का, जिथे कबीर साहब जी ने गल कही, कहिंदे कबीर धरती साध की तस्कर बैसें गाहे, धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाहे। कहिंदे ने रब्बी प्यारियां दी सभा जुड़ी होवे, धर्म नूं अपनाउण वालियां दी, रब्बी गुणां नूं जीण वालियां दी, उन्हां दी सोबत संगत विच आके कोई चोर बैठ जाए, उन्हां दे चेहरे ते परेशानी कोई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वह अपने कर्म विच इन्ने परफेक्ट ने, इन्ने परपक ने, किसे चोर दे आउण नाल उन्हां ते कोई बोझ नहीं भी मंदा आदमी साडे कोल आके बह गया साडा की बनेगा, कि तुहानू की खतरा है। कहिंदे ने धरती भार ना व्यापई उन्हां नू कोई बोझ नहीं। हां यह जरूर हो सकदा है, कबीर साहब कहिंदे ने भी उनको लाहू लाए, जिहड़ा मंदे आचरण वाला बंदा उन्हां कोल आके बह गया वह भावे कोई सच्चाई दी धर्म दी कणी ग्रहण करके चलिया जाए, पर उहदी बुराई दा इन्हां दे जीवन उत्ते कोई असर नहीं पैणा। धर्म उच्ची सुरत करदा है, बलवान सुरत। ऐसी बलवान सुरत वाले मनुख नूं दुनिया की कोई चीज अंदरों तोड़ नहीं सकती। असी अपने महान पुरखियां दा इतिहास पढ़ के वेखिए, उन्होंने किन्ने वड्डे वड्डे दुख ते तसीहे दिते गए, पर कि उन्हां दा अंदर दा धर्म ते धर्म गुरु दे प्रति बनिया होया सिदक जिहड़ा है उहदे च कोई कान जां त्रेड़ पई? हुण उत्थे ते कोई मित्र नहीं ना, सारे बेगाने ही ने। वो लोग ने जेड़े उन्हां दी होंद नूं ही प्रवान नहीं करदे, ते जिन्हां दी सारी ताकत इस गल उत्ते लगी होई है भी इस बंदे नूं तोड़ना है, अंदरों तोड़ना। हुण इत्थे जित ते हार दा फैसला इस गल उत्ते निर्भर करदा भी जे तां उह सिदक तोड़ जाण ते इह बंदा हारदा है, ते जे इहदा सिदक कायम रहे भावें बाकी सब कुछ चलिया जाए ते उन्हां दी सारी ताकत गोडे टेक जांदी है भी जिहड़े मकसद लई इहनूं फड़िया गया, जिस मकसद लई लालच दिते गए, जिस मकसद लई तसीहे दिते गए, ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੋ, ਪਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਸ ਸਿਦਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। बड़ी बार इतिहास विच सानू ऐसे ओ पल पढ़न वास्ते मिलते ने जिथे बिल्कुल दोवां धिरां दा आमो सामना ऐसी पेशबंदी होके जोर लग्या पिया कि दोनां दे विचों हुण वेखण वाली गल ए है कि दोनां दे विचों जेतू अंदाज किहदा हुंदा है, कौन जितेगा कौन हारेगा। कबीर साहब जी ने अपनी बाणी विच एक वचन आख्या, कहिंदे ने जे घट जाए तां भाउ ना जासी हर के चरण निवासा। घट का अर्थ हुंदा है शरीर, जे शरीर भी नाश हो जाए। कबीर जी की यह अपनी विचार है, वह कहिंदे भी मेरी हुण मानसिक अवस्था, मेरा आत्मक तल ऐसा उच्चा हो गया कि हुण अंदर दे प्रेम नूं कोई खतरा नहीं। हुण शरीर भी नाश हो जाए ना, हुण ऐसा परपक जीवन बन गया क्योंकि मेरी सुरत हुण अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़ी हुई है, उहदे नाम नाल इक सुर है।
सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी इस नूं आखदे ने। हुण गुरु नानक महाराज जी दे जीवन विच सब तों खूबसूरत गल है कि किसी भी चोर ठग गुनाहगार जां इहो जिहे होर बुराई दे कर्म करन वाले गुरु नानक महाराज इन्नी महान शख्सियत हुंदिआं वी आप चल के उहनां कोल जांदे ने। दरअसल वड्याई उह नहीं हुंदी जो केवल मगर खलोण वाले चार लोग जिंदाबाद कह के तुहाडी वड्याई करदे ने। वड्याई ते किरदार च हुंदी है भी आप डुल डुल के पै जाए। जिस दे भी मगर चार बंदे खलोणगे उह चंगा ही कहणगे, दुनिया की पहली गल है। मेरे मगर खलोण वाले चार बंदे मैनू गाला नहीं कढणगे, चंगा ही कहणगे, क्योंकि उहनां नूं लगदा है भी इहदी हार च साडी हार है। ये झूठा भी होवे तां वी इहदे मगर जिंदाबाद करदे रहो। यह ना होवे भी सानू भी नमोशी झलनी पवे भी असीं इहदे नाल कदों दे खलोते हां। जे ये ढिल्ला पै गया, हार गया, थक गया ते साडा की बनेगा। सारिआं दे साडे इक दूजे नाल हित जुड़े हुंदे ने। गुरु नानक महाराज इस करके वड्डे नहीं भी असीं उहनां नूं वड्याउंदे हां, नहीं, उहनां दी वड्याई उहनां दे विच इन्नी बुलंद है भी उहनां दी वड्याई तों प्रभावित होके सानू उहनां नूं वड्या कहना पैंदा। कई बार साडे मन अंदर यह गल हुंदी है कि असीं ऐसे महान लोगों नूं वड्याउंदे हां, उहनां दा नां असीं धरती उत्ते जिंदा रखिआ, असीं बहुत चंगे कर्म कर रहे हां। इस विच कोई शक नहीं भी उहनां नूं वड्याउणा चंगी खेड है, पर केवल साडे वड्याउण नालों वड्डे नहीं, उहनां दी वड्याई ही एडी वड्डी है भी साडे वर्गे चंगी चीज नूं चंगा ना कहण दा मादा रखण वाले भी उत्थे आके डावांडोल हो के वड्याई करदे ने। असी चुक जांदे आ, साडा हंकार वैसे प्रवान नहीं करदा भी असी किसे नूं चंगा कहीए, क्योंकि सारे संसार दे मनुखां दी दौड़ केवल अपने आप नूं वड्याउण दे उत्ते ही लगी होई किसे ना किसे रूप विच। पर जे असी उहनां नूं वड्याउंदे आ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਗਏ बतौर इंसान दे उहनूं उहो ही रिस्पैक्ट दित्ती। हां, गुरु नानक नूं उहदा कर्म चंगा नहीं लगदा, पर कर्म नूं सुधारन वास्ते उहदे कोल जाणा ही पएगा। हुण जे कोई डॉक्टर मरीज दी बीमारी नूं ठीक करन दा उहदा अहद हुंदा है, उहदी जॉब है, उहदी ड्यूटी है, पर जे उह मरीज नाल नफरत करन लग पवे भी इह बीमार है, मैं इस कोल नहीं खलो सकदा, मैं इस नूं हथ नहीं ला सकदा, मैं इहदी गल नहीं सुन सकदा, तो किसी भी मरीज का दुनिया च इलाज नहीं हो सकता। धर्म एक इसे तरह असी जिन्ने भी आउंदे आ ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ना, सतगुरु का उपदेश सुनना, यह गुरबाणी साडा इलाज है कि साडे अंदर मनुखता जिउंदी रवे ते बची रवे। यह ना होवे साडे अंदर पशु उठ खलोण ते असी हैवान बनते जाइए जिवें कि असी अक्सर बन जाते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के बोल सानू हमेशा ही चेते विच रखने चाहिए ने। मेरा बैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा। जदों गुरु वैद हो गया तो फिर सानू नफरत नहीं कर सकदा, उहदी जॉब है, उहदा कर्म है, उहदा सुभा है। भी साडे च अनगिणत औगण ने, बेशुमार कमियां ते बुराइयां ने, असी औगणा विच पलीत हां। सानू अपने आप तो नफरत हो सकती है, पर गुरु नू साडे तो कोई नफरत नहीं। हां, वो साडे रोग नू दूर करना चाहुंदा है, तंदुरुस्त करना चाहुंदा है, पर कोल आए बिना तो मसला संभव नहीं ना हो सकता, हल नहीं हो सकता। इस करके गरीब नवाज अपनी मुबारक बाणी दे विच गुरु की वड्याई करदिआं होइआं सतगुरु आसा की वार की बाणी विच कहिंदे ने, जिन मानस ते देवते किए, अगला बचन है करत ना लागी वार। करत ना लागी वार दा मतलब ऐसा करदे आ गुरु नू कोई उचेच नहीं करना पैंदा, सहज सुभा ही उहदे विच ऐसी प्रकृति है, उहदे अंदर मादा ही इहो जिहा। एक हुंदा ना सानू, हुण मैनू कौड़ा बोलण वाले नू कोई आके ना तुसीं 5 मिंट मिठियां गल्लां करनियां ने, बड़ा औखा है, उचेच करनी पएगी। कदे कोई चंगा काम ना कीता होवे ते चंगा काम करना पै जाए
प्रैक्टिस नहीं जड़ी चीज दी तुहानू बहुत उचेच करनी पैंदी है क्योंकि तुहाडे सुभा तो बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल वखरापन वो वखरी चीज करदिआं तुहानू बड़ी उचेच बड़ी मुश्किल विचों लंघना पैंदा है अपने आप ते बड़ा कंट्रोल ते जब्त रखना पैंदा है ते जे भला वो चीज आदत का हिस्सा होवे ते फिर सुभाविक ही हो जाती है फिर उचेच नहीं करनी पैंदी इहनू गुरु ग्रंथ साहब सहज सुभाए कहिंदे ने अडोल ही बिना डावाडोल होए तो सहज सुभाए आराम नाल अपने आप जिहड़ी चीज साडे सुभा दा हिस्सा बन गई वो अपने आप ही उहदी प्रैक्टिस हो के वह इन्नी क पक गई भी उहदे लई कोई उचेच नहीं करना पै रहा। संसार अंदर तुसीं वेखना धर्म की दुनिया अंदर उचेच वध गया सहज सुभा दा सुभा घट गया उचेच इस करके वध गया भी कोई प्रैक्टिस नहीं करता कोशिश नहीं करता और धार्मिक धर्म के प्रति आस्था ते श्रद्धा रखने वाले लोगों ने प्रैक्टिस करन दा समा ही घटा लिया और इन्ना संकोच लिया कि शायद वह सारी जिंदगी दे विच पाल ही नहीं आते जदों धर्म की प्रैक्टिस भी करन। इस करके हर गल इहो जिही लगन लग पई है कि पता नहीं कि सच हुंदी है कि नहीं हुंदी पर जदों धर्म की प्रैक्टिस वध जाती है मनुख के जीवन अंदर उन्हूं लगता है किड्डी वड्डी सच्चाई है जिहड़ी आम जीवन विच वापरदी है आम ही साडे नाल इह गल्लां घटदियां ने ज्यों ज्यों असी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं इस रूप विच पढ़दे आ ना भी असी की आ साडे जीवन विच की वापरदा है साडे आले दुआले विच की हुंदा है उन्हूं जदों असी गुरबाणी नूं पढ़ के अपने आप वल ते आले दुआले वल झात मारदे आ तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी बड़ी बरीकी दे नाल सानूं हर एक चीज के दर्शन करवाउंदी जांदी है खुद साडे अपने जीवन विच उह गल्लां बहुत वड्डी पद्धर उत्ते वापरदियां ने। जे असी इस रूप विच बाणी दा पाठ बाणी दी विचार नूं अपने जीवन दा हिस्सा बनाईए तो कदे मन उकताएगा नहीं मन दे अंदर कदे भी इस गल दे प्रति बेरुखी नीरस भावना पैदा नहीं होवेगी जिसनों असी कहने भी बाणी पढ़ते हाँ पर मन नहीं करता मन नहीं लगता इसे करके नहीं लगता क्योंकि मन उहदी लोड़ ही नहीं समझदा मन लगता वाधू काम है अद्धा घंटा बोलेगा हट जाएगा पौना घंटा बोलेगा हट जाएगा पाठ पूरा हो गया तो छुट जावांगे इसे करके क्योंकि मन की अवस्था दे नाल अजे गुरबाणी का जिहड़ा पद्धर है उसनू अपने मन उते लागू करन वाले पासे मनुख ने कोशिश करनी नहीं शुरू की। जदों भी ऐसा हो जाए भावें तुसी एक शब्द पढ़ो भावें दस शब्द पढ़ो वो तुहानू मिठे वधिया लगणगे इवें महसूस होवेगा भी जिवें गुरु पातशाह जी दे नाल असी सीधे रूप विच कोई आरगू कर रहे हाँ गल कर रहे हाँ विचार चल संवाद चल रहा है। हुण गरीब नवाज पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहिंदे भी जिस पासे असी सफर करदे हाँ उहो जिही साडी बिरती अंदरों बनदी जांदी है ते दूजे पासे दा मादा सादा घटदा जांदा है। इस नूं गुरु पातशाह कहिंदे जज्जै जोत हिर लई तेरी मूढ़े हे मूर्ख तेरे अंदर दी विवेक बुद्ध विचार सत्ता घट गई है हिर लई कोई जा रही है और अगे कहिंदे ने अंत गया पछतावेंगा इस राह ते ज्ञान तुरदियां होया अखीर तेरे पल्ले पछतावा पैणा जिस राह ते तू चल रहे है ना हौली हौली तेरी विचार सत्ता घट गई ओड़क नूं तेरे पल्ले की रहेगा इस चीज विचों पछतावा। दो चीजा ने कीते हुए गुण का हमेशा माण हुंदा है भावें नुकसान बहुता हो जाए ते कीते हुए औगण का भावें फायदा बहुता होवे पर वो मगर जिहड़ी चीज ओवरआल प्रभाव छड के जांदा है वो है पछतावा। दोवां चीजां च बड़ा अंतर है गुण कमाउंदिआं तुहानूं लॉस हो सकदा है किते ना किते पर अखीर तुसीं स्वयमान नाल अपने आप नाल नजर मिला के तुर सकदे हो। औगण कमाउंदिआं होइआं भावें मनुख नूं फायदा हो जाए बाहरी तौर ते कुछ ना कुछ पर ओड़क नूं बंदा डिगदा ऐसी थां है जिथे अपने आप तों बंदा बेगाना हो जांदा है उत्थे पछतावा औगण दा पछतावा हुंदा ते चंगियाई दा माण हुंदा। धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी दे विच इसे करके कहा भी जिन्ने हे मनुख तू गुनाह करदा है ना पछतावा अखीर तेरे पल्ले पैंदा ते जे तू उस करते नाल जुड़ जाए
तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा, सच शब्द निशान। दोवां चीजां विच इन्ना वड्डा अंतर है। औरंगजेब ने अपने शहजादे मुअज्जम नूं चिट्ठी लिखी आगरे दे विच। चिट्ठी दे विच उसने शब्द लिखे सन कि मैं इस संसार विच खाली हाथ आया सां, जिवें कि आम सारे संसार दे लोग बिल्कुल कोरे कागज वांग बच्चा पैदा हुंदा है, पर मैं इस संसार तों हुण कोरा नहीं जा रहा, गुनाहां दी पंड अपने सिर दे उत्ते रख के जा रहा। और एक गल बड़ी नोट करन वाली है, ऐसे बंदे जिन्हां ने अपने जीवन विच हंकार ते स्वार्थ करके गुनाह करदिआं कदे भी विचार नहीं कीता कि असीं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। समझाउण वाले भी हुंदे ने, आलिओं दुआलिओं उहनां नूं पता भी लग ही जांदा है कि साडे बारे किहो जी राय बन रही है, पर परवाह नहीं करदे क्योंकि हौमा इन्नी उच्ची हुंदी है। वो कहिंदी है भी लोक तां इस तरह कहिंदे ही हुंदे ने, करी चलो। पर आम रूप विच एक चीज वेखी गई है कि उन्हां दे जीवन सफर दा जिहड़ा निचोड़ अखीर उत्ते निकलदा है ना, बड़ा ही माड़ा निकलदा, बहुत ही घटिया। वो इन्ने कु डिगदे ने भी अपने आप कोलों भी उन्हां नूं डर लगन लग पैंदा है, अपने आप कोलों भी उन्हां नूं शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो जाती है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी कहिंदे ने, ओड़क नूं जीवन दा निचोड़ यह निकलिया कि पछतावा पले पिया, कीते हुए गुनाह दा, कीते हुए कुकर्म दा, कीते हुए पाप दा, मंदे किरदार दे विचों अखीर पछतावा उगड़ के सामने आउंदा है। हाँ, इन्नी गल जरूर है भी हंकार दा करके बंदा कई बार जबान तो नहीं कहिंदा, पर मन हमेशा ही पछतावे च जींदा। तो गरीब नवाज कहिंदे ने, एक शब्द तू चीना नाही, हे मनुख एक अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम नूं, गुरु दे उपदेश नूं चीन दा पछाण दा नहीं, तू समझदा नहीं, उदी पहचान नहीं करदा भी वह तैनू किहो जिहा जीवन दे रहा है। फिर जूनी आवेंगा, मुड़ मुड़ के तू दुबारा दुबारा बार बार जूना विच ही भटकेगा। भाव तेरी इस सर्कल तो खलासी नहीं होएगी, इस सर्कल विच ही बार 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 चक्कर कटना, भटकते रहना, यह भटकना हमेशा तेरे पले पई रहेगी। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने, तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित। पंडित कहिंदे ने विद्वान नूं, महाराज कहिंदे ने हे विद्वान मनुख, हे दुनिया दा ज्ञान बौद्धिक पद्धर उत्ते हासिल करन वाले मनुख, हे बहुत सारे फलसफे धर्म ग्रंथ विचारन वाले मनुख, सांझे रूप विच सतगुरु समझाउंदे आ कहिंदे ने, तुद सिर लिखिया सो पढ़, जो अकाल पुरख ने तेरे उत्ते हुक्म रूपी लेख लिखे उस नूं समझ। करते दे हुक्म तो बारा कुछ नहीं हो रहा, उस हुक्म दी सत्ता नूं पहचान, जिस हुक्म दे नाल सारी कायनात ते कुदरत रची गई, इस कुदरत विच तू एक निक्का जिहा हिस्सा रचिया गया ते तू इस कुदरत दे नियमां दा इन्ना कु बझ है कि इहदे तों बाहर तेरी कोई हरकत खब्बे सज्जे हो ही नहीं सकदी। महाराज कहिंदे ने, अवरां नूं ना सिखाल बिखिया। गुरु पातशाह जी दे समय जिहड़ी विद्या सिखाउण दा काम सी उह धार्मिक पुजारी दा सी, इस करके धार्मिक पुजारी ज्ञान विद्या बौद्धिक पद्धर लोकां दा उच्चा करन दे नाल नाल सिख्यार्थियां नूं कर्म कांडां दा माया जाल भी नाल ही पढ़ा दिंदा। इहदे नाल इह हुंदा भी सारी उम्र उह सिख्यार्थी जिहड़े सन बौद्धिक ज्ञान हासिल करन तों बाद भी उहदी गुलामी ही करदे रहिंदे। इह उस समें दा समुचे दा समुचा इक ढांचा है, अज भी वैसा ही वापरदा है, पर असीं इहनां दी निठ के विचार नहीं करदे। दुनिया की कोई स्टेट ऐसी नहीं जिहड़ी संचार साधना दे उत्ते तकनीकी साधना दे राहीं तुहानूं अपने कंट्रोल विच रखण दी कोशिश नहीं करदी। संसार दी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जिहड़ी किसे दे दिमाग उत्ते कंट्रोल नहीं करदी। किसे ना किसे रूप विच जिहो जिही स्टेट है उहो जिही स्टेट दी भगती सिखाउण वास्ते मनुख नूं उसे हिसाब नाल नॉलेज दी डोज दित्ती जांदी है।
ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹੀ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵੀ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਭੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਸ਼ੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਖੱਪ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਲ ਉਹਨੇ ਬੁਣਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੋਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਇਹਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਆਤਮਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ, ਸਮਾਜਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਨ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ,
सिस्टम कदे नहीं बदलता। गुरमत दी सारी दी सारी पड़चोड़ उस सिस्टम दी पड़चोड़ है जिहड़ा तुहाडे ते हावी हो के हमेशा वास्ते सानू साडे कुदरती हकां ते अधिकारां तों वांझिया कर देंदा। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक बाणी इस पासे वल सानू सुचेत करदी है। तो सतगुरु इत्थे फरमाउंदे ने अब सो पढ़ पंडित अवरां नूं ना सिखाल विख्या। दूजियां नूं कर्म कांडां दी वहिमां ते भरमां दी ये बोली सिखा रहे हैं, ये पाठ पढ़ा रहे हैं तू संसार दे लोकां नूं। ते इन्हां वहिमां भरमां ते कर्म कांडां दी ये पाठ पढ़ाउण दे पिछे मकसद है तेरा अपना स्वार्थ। किवें करना, किसे नूं कहा गया भी तीर्थां ते जाओ, इस करके थोड़ी क्या भी उन्हां दा कोई भला होना, इस करके क्या भी तीर्थां ते आउणगे, दान पुन करनगे, पूजा पाठ कराउणगे तो कम चलेगा, बहुता भला अपना है दूसरियां दा घट है। और संसार क्योंकि अखां मीट के चलदा है, इस वास्ते जिस पासे उन्हां नूं खड्ड च सुटिया जाए ना उधर जाणगे भी बहुत। एक वड्डी सच्चाई है, दुनिया के अंदर अज तक जिसने भी प्रचलित राह के उत्ते तुरन तो किसी नूं रोकया वह बुरा ही बनया, और इस हद तक बुरा बनया कि जहर के प्याले उन्हां नूं एवें पेश किए गए कि यह तुहानूं पीना पएगा, पर दूसरियां की पूजा होई, दूसरियां का सत्कार होया। तो गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने पहला फाहा पया पांदे पिछों दे गल चाटड़िया, उस सिखाउण वाले उस्ताद नूं विद्या देण वाले ज्ञानी नूं जिहड़ा फाहा आप नूं पिया होया सी ना लोभ ते स्वार्थ दा, उही ज्ञान उही पढ़ाई उही किरदार दा पाठ उहने दूसरियां नूं पढ़ा दिता, उही उहने दूसरियां नूं पढ़ाया। एक उदाहरण दिंदा इहदी आम जी, पुजारी आप नशेड़ी सी ते नशा करन दा आदी सी। आम जन सधारण बंदा इस गल नूं प्रवान नहीं करेगा भी साडे धर्म अस्थान दा पुजारी नशेड़ी होवे। उन की कीता, क्योंकि धर्म ग्रंथ पढ़न दा ते सुनाउण दा अधिकार उन्हें अपने कोल रखिया सी, दूसरा कोई पढ़ नहीं सी सकदा। उन्हें धर्म ग्रंथां दीआं मर्यादावां दी अदला बदली कीती ते नाल ही अगली एक गल ये कह दिती भी मेरा जिहड़ा भगवान है उन्हूं नशे का भोग लगेगा, तो खुशी उहदे ते हुंदा जिहड़ा उन्हूं नशे का भोग लवाए। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, तीन धिरां एक पासे खड़ियां ने, धर्म की मर्यादा किन बनाई, पुजारी ने, पुजारी ने अपनी सहूलत मुताबक मर्यादा च सोध कीती, ते भगवान की पूजा करनी ते लोकां नूं उस भगवान बारे दसना यह भी कम पुजारी दा सी। उन्हें भगवान दे नाल भी यह गल जोड़ी भी मेरा भगवान तो नशे तो बिना खुश ही नहीं हुंदा, तां प्रसाद ही नशे का लैंदा। हुण तुसीं कल्ला कौन रह गया, एक शरधालु, उहदे सामने तीन ताकतां खड़ियां ने, ना वह पुजारी का उलंघन कर सकदा है, ना पुजारी की बनाई मर्यादा तो बाहर जा सकदा है, ते तीसरी तो सब तो वड्डी सत्ता जी का प्रचार होया वह भगवान। हुण तिन्नां दा उलंघन किवें करे, किवें कह दे भी भगवान झूठा है, किवें कह दे भी मर्यादा गलत है, किवें कह दे भी पुजारी गलत है। पुजारी आखेगा मैं की कह, मर्यादा कहिंदी है, भगवान खुशी उहदे ते हुंदा है। ते हुण भगवान नूं कौन पुछे, भगवान दा ते सत्कार है। वह चीज जिहड़ी वह आप चाहुंदा सी उहने भगवान दे मत्थे मड़ी, ते मर्यादा दे विच उसे चीज नूं उसने पैदा करके पा के लोकां नूं परोस के रख दित्ती। ते हुण तुसीं तीसरे चौथे पासे आओ भी जदों तिन्ने ही कह रहे ने भी यह चीज सही है, ते जिहड़ा पूजा करन वाला श्रद्धालु वह भला इस जहर तों किवें बच सकदा है, वह किवें मुक्त हो सकदा है। जदों भगवान नशा मन पींदा है, जदों मर्यादा कहिंदी है, जदों पुजारी कहिंदा है, तो श्रद्धालु नशेड़ी ना होवे तां हो नहीं सकदा। हुण इन्हां तिन्नां दे नाल जुड़े हुए चौथे श्रद्धालु दा जे तुसीं आखो भी किरदार बहुत उच्चा हो जाए, वह बड़ा महान इनकलाबी पुरख पैदा हो जाए, वह बड़ा भगत बन जाए, किवें बनेगा बई उह, जदों दा भगवान ही भगत नहीं, जदों उहदी धर्म की मर्यादा ही वह चीज कहिंदी है जिहनूं जहर कह के रद्दिया गया, ते जदों उहदा पुजारी ही उहनूं खड्ड च सुट रहा है, तो उहदे अंदर सच्चारा ते चंगा जीवन, उहदे अंदर गुरमुखताई वाली अवस्था पैदा हो जाए तां प्रश्न ही नहीं उपजदा।
इवें लोकां दी आत्मा दा घात करदे ने तिन्ने रल के। पुजारी मर्यादा बनाउंदा है अपने स्वार्थ लई, भगवान घटदा है अपने स्वार्थ लई, लोकां दी सुरत नूं मत नूं आत्मा नूं पलीत करी रखण दा एक साधन ते टकवांजरा च लैंदे ने रल के। सदियां तो यही कार शैतानी चलदी आ रही है। गुरु नानक महाराज सचे पातशाह ने इसे करके आख्या सी, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कोई बंदा मेरा गुरु नहीं हो सकता, ना ही उस ना बंदियां दियां बनाईयां हुई मर्यादावां दे विच मैं बज के रह सकदा, ते ना ही इना इना दे दसे हुए भगवान नाल मैं जुड़िया होया। मेरा भगवान तो वह जो घट घट विच व्यापक है, जिदी हुकम रूप सत्ता सारी कुदरत नूं चला रही है। जगन्नाथ पुरी दे मंदर विच खलो के भी गुरु नानक महाराज ने उस अकाल पुरख करते दी बात लोकां दे कन्नां तक पहुंचाई। गगन मै थाड़ रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। बड़ी वड्डी गल गुरु नानक महाराज पातशाह ने उस जगह दे उते खलो के संसार नूं सुनाई। तो सतगुरु इत्थे कहिंदे ने, जेड़ा स्वार्थ दा, लोभ दा, अग्ञानता, वहिमा भरमा दा, विकारां दा फाहा पांदे दे गल ज्ञानी दे गल पिया होया, उहो ही फाह दूसरियां दे गल पा रहा, क्योंकि वह आप नहीं छुटिया, दुनिया नूं किवें छुड़ा सकदा। तो सतगुरु जी आखदे ने, सस्सै संजम गयो मूढ़े, हे मूर्ख तेरा ते संजम परहेज ही चलिया गया, तेरे जीवन दी तां कोई मर्यादा ही नहीं रही। एक दान तुद को थाए लया, एक दान, दान तां तू बड़े लैंदा पर एक दान तां तू बिल्कुल ही कुथाए माड़े पासों ले लिया, वो केड़ा? कहिंदे ने, साई पुत्री जजमान की सा तेरी, जेहो जी तेरी अपनी धी है ओहो जी धी ही जजमान दी है, जिसनू तू दान दे नाम दे उते लुट लिया, जिस धी का नाता करन लग्या भी तू हेर फेर कीता। उन्ना वक्तां दे विच दो कारज पुजारी कोल हुंदे सन, किसे बच्चे दा जां बच्ची दा नाता बिना पुजारी दी सहमति तो हो नहीं सकदा, ते दूसरा जितनिया भी व्याह दियां रस्मां ने उहदे विच हर चीज विचों उसने अपनी कमाई दा जरिया कढ़ना है। हुण उहदी मर्जी है वह मूर्ख नाल विद्वान नूं व्याह सकदा है, उहदी मर्जी है बेअकल नूं अकल वाले नाल व्याह सकदा है, क्योंकि उहने जो कह दिता उही सत है, क्योंकि उहने दोवां दे जोग मिलाउणे, कुंडलियां मिलाउणियां, इह अधिकार अपने कोल रख्या होया। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, सुभा रलदे होण, विचार रलदे होण, दोनों का मानसिक पद्धर रलदा होवे, ते दोवां दी आपस विच सांझ गुणा करके इको जिही होवे, वह चंगा जीवन जी सकदे होण। पर जे पुजारी ने कह दिता ना भी लड़का जां लड़की चों एक मंगलीक है, तुहाडियां सोचां तुहाडे परख पैमाने जीरो हो जाणगे, उन्हां दा कोई मुल नहीं रह जाएगा, कारण आखिरी फैसला उहदे कंट्रोल विच है। और हैरानी दी खेड वेखो, असीं अपने बच्चियां नूं जन्म दिंदे हां, पालदे हां, 25-25 साल उन्हां बच्चियां दे उत्ते लोक मेहनत करदे ने, पर आखिरी फैसला किसे होर कोलों करवाउंदे ने। हैरानी दी गल है भी चलो जे कोई कुंडलियां ना ना मिलाए घट्टो घट, ये तां पुछण दा रिवाज अजे घटिया नहीं, सगो वधिया ही है साधना दे मुताबक भी बच्चे जां बच्ची दा असी व्याह किहड़े समय करिए। जे पुजारी ने कह दिता नहीं इस दिन नहीं इस दिन कर सकदे हो, तो उस दिन ही होएगा, हुण तां सौखा हो गया, तुसीं पैसे अगले दे अकाउंट च पवा दिओ ते फोन ते ही सलाह लै लवो। पंजाबी दियां अखबारां इस गल नाल भरियां पईयां ने, कौन कहिंदा है असीं बदल गए हां, असीं अगां वध गए हां, असीं ते उत्थे ही खलोते होए हां। यह फर्क है बहुत वड्डा, जिसने अपनी धी नूं 25-30 साल पालिया है, उसनूं हर जिंदगी दी खुशी दिती है, अपने पुत्र नूं पालिया ते जिंदगी दी हर खुशी दिती है, उहदे विआह दे समें दा भी फैसला नहीं कर सकदा। इसनूं हुण तुसीं आजादी आखो तां वक्खरी खेड है,
पर इस तो वड्डी गुलामी कोई नहीं हो सकती, इस तो वड्डा अपाहज पुणा होर कोई नहीं हो सकता। तो समाज ये ग्रसिया पै पूरी तरह नाल, जमीन साड़ी, पैसा साड़ा, बनाउना असी है। वड्डे वड्डे इंजीनियर फेल हो जाते हैं क्योंकि पुजारी कहिंदे इवें नहीं हो सकता, वास्तु शास्त्र का झगड़ा है, तो की करेगा उत्थे कोई। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहिंदे ये भरम ये वहम संसार नूं कोड़ वांग लगे हुए उहदी मानसिकता नूं उहदी सुरत नूं अपने कंट्रोल विच करके बैठे हुए ने, बंदा उस तों अगे जा ही नहीं सकदा। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कह रहे ने सत्सै संजम गयो मूड़े एक दान तुद कुथाए लाया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खाद है तेरा जन्म गया। कि जे एहो जिही फैसला जिहो जिहा फैसला तू जजमान दे धी ते पुत्र दा कीता जे तेनू अपना करना पैंदा तां तू उहनू कस्टमर ही समझ लिया ना भी मेरा कस्टमर है। हुण डॉक्टर जिहो जिहा अपने परिवार दे बंदे दा इलाज करे दूसरे दा ना करे, असीं कहांगे ना भी डॉक्टर साहब जे इस मरीज की जगह ते तुहाडा अपने परिवार का कोई मरीज हुंदा ते तुसी की करदे? इहदा मतलब है तुसी अपनी जॉब विच बेईमानी करदे हो, पक्षपात करदे हो। हुण आम बंदा वड्डे धर्म स्थानां ते जदों जांदा है, मैं अपनी गल करदा हां, तां आम इंसान नूं कहा जांदा है भी 10 साल तक तेरे अखंड पाठ की बुकिंग नहीं हो सकती क्योंकि साडे ते रजिस्टर भरे पए ने। पर VVIP बंदे का फोन आ जाए तो जगह भी मिल जाती है, पाठ करने वाले भी मिल जाते हैं क्योंकि वो रखी हुई है। हुण तुसी इहनू कोई धर्म आके भी धर्म कमाया जा रहा है जां इह बंदे बड़े सच्चे ते सुची मानसिक अवस्था वाले ने तां इह साडा परक पैमाना हो सकदा। तो गरीब नवाज कहिंदे ने हे पांदे एक थां लिया होया दान तेरी आत्मा नूं तेरी मानसिकता नूं तेरी सुरत नूं पलीत करके तैनूं आत्मक मौते मार देगा। और एत धान खाधा है तेरा जन्म गया, ए खाधी हुई कमाई तेरे जन्म नूं खत्म कर देगी, व्यर्थ गवा देगी। सतगुरु सचे पातशाह जी दे उपरोक्त बचन जो सतगुरु ने इस जगह दे उत्ते उच्चारण किए ने, गुरु पातशाह रहमत करन असी इन्हां बचनां की कमाई कर सकीए। सतगुरु होईआं भुल्लां चुक्कां की खिमा बख्शिश करन। सबना का धन्यवाद। अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।